शहर के एक निजी होटल में वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने की। इस कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हर साल की तर्ज पर इस साल भी वरिष्ठ नागरिक महासंघ का स्थापना दिवस होटल अमित पार्क में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 9वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही अध्यक्षता वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेविका व अधिवक्ता तुलसी साहू प्रमुख रूप से शामिल रही। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान विधिवत यहां पर किया गया। इसके साथ ही समाज के गणमान्य नागरिकों का भी सम्मान यहां पर मंच के माध्यम से किया गया। इधर 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 और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। आज जी का स्वागत करेंगे। कल्लन जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे ठीक भैया वरिष्ठ नागरिक महासंघ के 9वें स्थापना दिवस को लेकर शामिल अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद मुझे मिला है और आज जो है जिस प्रकार का ये उत्सव मनाया जा रहा है, एक नई योजना इस हॉल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनेगी और समय समय के उनकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन वरिष्ठ नागरिक के द्वारा होता है। शहर हित में बड़ा योगदान उनका है। आज सुभाष साहू जी एक समाज के बड़े नेता हैं, उनको मैं उनके जन्म दिवस पर बधाई देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वरिष्ठ नागरिक महासंघ का ये 9वां अधिवेशन है। अमित पार्क के इस प्रांगण में आज कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए सभी वरिष्ठजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हम सबको आशीर्वाद देते रहे। जीवन का उनका अनुभव है, वो अनुभव का लाभ हम सबको अच्छे समाज के निर्माण के लिए और अच्छे देश के निर्माण के लिए वो देते रहे, अच्छे राज्य के निर्माण के लिए दे, यही मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। बुजुर्ग है तो घर स्वर्ग है और अगर बुजुर्ग नहीं है तो घर नर्क से भी बदतर होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है। हाँ, चंद लोग हैं, मैं बहुतायत की बात नहीं करता, लेकिन गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनको अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि वो भी कल वृद्ध होंगे और उनका भी बेटा जवान होगा, उनके भी उनकी बहू आएगी, तब उनका क्या होगा और उनके ऊपर ये परिस्थिति आएगी तो उनके मन में क्या गुजरेगा। इस भाव को लेकर उनको अपने बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार दे सके। सुभाष भैया का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? सुभाष भाई को जन्मदिन में तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे और ऐसी सदा जवान रहे। आज हमारे जिलाए वरिष्ठ संघ के नेतृत्व में मगध तेलिक समाज, वैश्य तेलिक समाज और अन्य वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा हमारे डॉल्फिन क्लब, हमारे बीटीए क्लब, हमारा बीसी क्लब, हमारे सारे मित्र के द्वारा हमारे आज 9 वर्ष के इस दिवस पे हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद परमादरणीय विजय बघेल जी, वैशाली नगर के नवनिर्वाचित विधायक परमादरणीय रिकेश भाई जी का अभिनंदन कर रहे हैं और साथ में वरिष्ठ मंच के द्वारा हमारे मित्रों के द्वारा आज चूँकि मेरा जन्मदिन है, इनके द्वारा मेरे जन्मदिन की मनाई जा रही है, मैं पूरे वरिष्ठों को, पूरे संघ के अध्यक्षों को नमन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आदरणीय हमारे सांसद जी को भी, रिकेश सेन जी, विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने कीमती समय दे के हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। जी भैया, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी, क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि आज के दिन हमारा जो वरिष्ठ नागरिक महासंघ है उसकी स्थापना हुई थी और ये विगत कई वर्षों से बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।
इस आयोजन में जो कि वरिष्ठ नागरिक महासंघ द्वारा किया जा रहा है, इसकी जो मिठास और दुनी तब हो रही है जब हमारे भाई सुभाष जो कि अमित पार्क, अमित इंटरनेशनल और भी कई ऐसे संगठन हैं, संस्थान हैं जिसके मालिक हैं और शहर के अति विशिष्ट और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका जन्मदिन है। और ये हम सब के लिए बड़े गौरव और खुशी की बात है कि हम ऐसे अवसर पर इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्य बात यह है कि ये आयोजन विगत कई वर्षों से वरिष्ठ नागरिक महासंघ द्वारा किया जाता है और हर वरिष्ठ जो भिलाई क्षेत्र में रहते हैं, दुर्ग क्षेत्र में रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। विशेष तौर पर भाई सुभाष के उज्ज्वल भविष्य, स्वस्थ जीवन और अच्छे उनके कर्मों को याद करते हैं और उनको आशीर्वचन देते हैं। और मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ और रहूँगा और शुभकामनाएँ देता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का आयोजन वरिष्ठ महासंघ मनाते रहे और हम सब इसका एक हिस्सा और यादगार और साक्षी बने। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ नागरिक मंच के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मारे साहू जी, उनको मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक मंच का 9वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल सुभाष भैया आज जन्मदिन है और सुभाष भैया अपने संस्थान में स्थान में हर वर्ष वरिष्ठ नागरिकों को बुला करके उनका सम्मान करते हैं। ये बड़ी बात है। मैं सुभाष भैया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे वरिष्ठों को सम्मान करते हैं, हर साल अपने स्थान पर बुला करके। और वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो समाज हित में जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। उनके साथ में 9 वर्ष है तो 9 वर्ष में आप सबको क्षेत्रवासियों को भी शुभकामनाएँ बधाई। सबसे पहले 9 वर्ष की सभी को बधाई देता हूँ, भिलाई वासियों को। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, वरिष्ठ महासंघ की आज स्थापना दिवस है, जिसमें इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे परम सम्मानी हमारे भाई सुभाष साहु जी का भी जन्मदिन है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उसके उज्ज्वल कामना करता हूँ, हमेशा स्वस्थ रहे। बस मैं वरिष्ठ जो स्थापना किए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सोच जिन्होंने एक वरिष्ठों को जोड़ने का प्रयास किया, एक मंच में आने का प्रयास किया, वो सबसे पहले सभी वरिष्ठों को मैं सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। ये कार्यक्रम ये है कि ये भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ का ये 9वां स्थापना दिवस है। इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ जन जो गुणी ज्ञानी है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, ऐसे लोग कहना चाहिए एक प्रकार के उनका कोई उपयोग नहीं किया जाता है और उनको संगठित करके राष्ट्र निर्माण के लिए, जन सेवा के लिए और जो आगे बढ़ते हैं सबको प्रेरित करने के लिए ये स्वस्थ और एक बढ़िया से एक वातावरण निर्मित करें ताकि भारत के भिलाई के समाज में एक बढ़िया संदेश मिले और आने वाली पीढ़ी को एक के लिए एक अच्छा रास्ता का निर्माण कर सके। बुजुर्गों के लिए कार्य करते हैं, बुजुर्गों में जो उनका अनुभव है और उनका अनुभव का हम लाभ लेवें और जन सेवा में हम काम करें, लोगों के बीच में जाकर काम करें ताकि लोग अपने आप को कमज़ोर मत समझे और सुस्त मत रहे, मायूस मत रहे, अपनी प्रतिभा को व्यर्थ न जाने दें और अन्य लोगों के उत्थान के लिए, सबके लिए उनका कार्य प्रेरणादायक। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। साथ में आज वरिष्ठ महासंघ के पूरे दुर्ग जिले के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य सभी को अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके दिए एवं होटल के भी जितने भी होटल एसोसिएशन हैं सबके सदस्य यहाँ, सबके मालिक लोग भी इकट्ठा हुए, प्रेस के भी हमारे साथ ही इकट्ठा हुए। साथ में दोहरी खुशी ये है कि सुभाष भाई का जन्मदिन है, समस्त क्षेत्र के पार्षद, सांसद महोदय, विधायक जी सभी लोग आए। इस कार्यक्रम को हर साल मनाया जाता है जिसमें सुभाष साहू भैया जो है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए
हमेशा इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिसमें इनके साथ हमेशा श्रीवास्तव भाई जो रहते भिलाई में हैं, उसके अलावा भी राजनांदगांव के अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके आते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसी तरह हर साल हम लोग एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, सब सब परिवार मिलन कराते हैं। हम बहुत बहुत सुभाष भाई की आभारी हैं। और इसी प्रकार से साल में हर तरीके का कार्यक्रम कराते हैं, होली मिलन समारोह कराते हैं, दिवाली मिलन समारोह कराते हैं, हर छोटे बड़े सबका, विकलांगों का, दिव्यांगजनों का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जहाँ भी सामाजिक जो भी काम रहता है सुभाष भाई हमेशा सहयोग करते हैं। मैं चाहूँगा, ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि सुभाष भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोगों का, ये कोरोना काल में भी सब कुछ हुआ फिर भी सुभाष भाई को फ़ोन कर दो रात के 12 बजे भी, भैया ये 20 आदमियों का, मरीजों का खाना उस हॉस्पिटल में भिजवाना है। ये बढ़ चढ़ के इन्होंने काम किया, ये काम इन्होंने भी किया, श्रीवास्तव भाई ने भी किया। तो पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग जो समाज के लिए करता है वही समाज का अच्छा नागरिक कहलाता है। आप समाज में पैसा कमाइए लेकिन अच्छा नागरिक बनिए, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार का मान सम्मान हमेशा बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 9वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न आयोजन यहां पर किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।